परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आज की सुबह फिर से आप सबको वंदन। दूसरे तिमुथियुस की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसके 21वें वाक्य की शुरुआत में हम पढ़ते हैं, जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा जाड़े का समय द विंटर टाइम विषय पर मनन करने के लिए आज की सुबह परमेश्वर हमारी सहायता करने पर। सभी परमेश्वर के भक्तों के लिए हर दिन मनन करने का एक भाग है पवित्र बाइबल में लिखी 55वीं पुस्तक, सिर्फ 4 अध्याय वाली दूसरे तिमुथियुस की यह पुस्तक। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि यह प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई उनकी आखिरी पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन में किस चीज को सबसे अधिक महत्व दिया है उसके बारे में बताया गया है। वह है स्नेह, विश्वास और उपदेश। इन सबों में स्थिर बने रहने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए लिखी गई है दूसरे तिमुथियुस की यह पुस्तक। भक्त पौलुस जब वह अपनी यह अंतिम पुस्तक लिख रहे थे, तब उन्हें पता था कि उनके दिन के अंतिम समय करीब है। मेरे प्रियजनों, कारागृह में रहकर धैर्य और प्रोत्साहन से भरे एक पत्र को लिखना कोई असाधारण कार्य नहीं है, परंतु परमेश्वर ने जो उनको उनके जीवन में दैविक अनुभव प्रदान किए थे, उनके अनुसार जवान एवं इफिसियों सभा के प्रचारक तिमुथियुस और हम में से एक एक जन को यह उपदेश दे रहे हैं। कोई भी क्रिस्त विश्वासी एक योद्धा के समान, एक एथलीट के समान और एक किसान के समान निरंतर प्रयत्न करने के बाद ही प्रतिफल की प्राप्ति पाएंगे। कई वर्षों तक परमेश्वर के लिए कार्य किए हुए व्यक्ति थे प्रेरित पौलुस। AD 66 टू 67 के समय में नीरो चक्रवर्ती के अधीन कारागृह के अंधेरे में बंदी बना लिए गए। प्रेरित पौलुस आने वाले जाड़े के समय में जीने के लिए 3 तरह के कार्य को पहले से करने की विधि लेते हैं। इन वचनों के द्वारा इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। चौथा अध्याय उसका 9वां वाक्य और 21वां वाक्य को एक साथ अगर हम मनन करें तो हम देखते हैं प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को प्रेरित कर रहे हैं कि जाड़े से पहले वे जल्द से जल्द उनके पास पहुंचे। लूका पौलुस के साथ है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि जवान, सामर्थ्य, विश्वास पात्र और परमेश्वर का भक्त तिमुथियुस भी वहां उनके साथ रहे। इसका कारण पहला अध्याय उसका 15वां वाक्य, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगिलुस और हिर्मोगिनेस हैं। चौथा अध्याय के 10वां वाक्य में देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। इस पूरे जीवन काल में हमें और परमेश्वर को प्रेम करने वाले जब हमें छोड़कर और प्रभु से दूर होकर चले जाते हैं, तब उनका दुख ना सहने की अवस्था में, ऐसी स्थिति में उनकी आत्मिक मित्र और प्रिय शिष्य तिमुथियुस की उपस्थिति वह बहुत अधिक रूप से चाहते हैं। प्रियो, कष्टों से, कारागृह के अनुभवों से और एकांत के समय, उन सारी अवस्थाओं में हम हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति की एक उपस्थिति चाहते हैं। हमारे एकांत रूपी जीवन में उस प्रिय व्यक्ति की उपस्थिति हमें धैर्य प्रदान करेगी। चौथे अध्याय के 13वें वाक्य में और 2 बातों के लिए भी पौलुस आग्रह करता है, जो बागा में त्रोवास में कर्पुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्र को लेते आना। यहाँ पर पौलुस व्यक्त रूप से बोलता है, जो बागा में छोड़ आया हूँ उसे लेते आना। जो बहुत ठंडे स्थानों में रहते हैं उनको ही बागा यानी कि कंबल की महत्वता समझ आएगी। पौलुस के जीवन के उसके सारे जाड़े के अवस्थाओं में बहुत उपयोगी रहा है वह कंबल। अब शरीर बूढ़ा हो चला है, परमेश्वर के लिए मार, पथराव, चोट, प्रहार, यह सब सहा हुआ उस शरीर का दर्द सर्दी के समय में बहुत आयत से महसूस होगा। इसलिए प्रेरित तिमुथियुस से कहता है, इस भयंकर आने वाली ठंड में शरीर को दर्द से और ठंड से बचाने के लिए तू मेरा कंबल साथ में लेकर आना। 13वें वाक्य में वह ना छोड़ सकने वाली एक और चीज का वर्णन करता है, पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्र को लेते आना। प्रियो, कारागृह के उस एकांत अवस्था में, भूख की अवस्था में परमेश्वर का वचन उसके भक्तों को कितना सुकून देता है।
मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजनों, अपने जीवन के उस जाड़े की अवस्था में और अधिक जीने के लिए नित्य जीवन प्रदान करने वाले परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा हम अपने जीवन के अकेलेपन को दूर करके परमेश्वर के साथ का जो संगति को एक बार फिर से पुनः स्थापित करें और एक साथ मिलकर सामना करें। आने वाले दिन में सहन होने वाले कठिनाइयों को धीरज के साथ सामने करने के लिए उत्साहित हो जाएं। आप सबका दिन शुभ हो। जय मसीह की।